अब मैं आपको बताऊं, मुझे पता है आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं, तो खुल के बात करनी चाहिए। अब आमिर इज रिटायर्ड, है जी। अब वो अगर रिटायरमेंट से बाहर आना चाहता है तो जो रूल्स हैं आपके पीसीबी के या डोमेस्टिक क्रिकेट के, वेलकम। आप रिटायरमेंट ने आपने अनाउंस की थी, आप कम आउट ऑफ रिटायरमेंट, प्ले, बी सिलेक्टेड एंड प्ले। क्या आप शर्जील खान को फिकर ना करें, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, आप रिलैक्स। मिकी विल बी जॉइनिंग अस, सो मिकी विल कम बैक। सेठी साहब, आपने पिछले दौर में अपने स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से बड़ा क्लियर स्टांस लिया था कि जिन प्लेयर्स ने सज़ा पूरी कर ली है उनको वापस खेलना चाहिए, लेकिन अभी जो रिसेंटली चीफ सेलेक्टर थे शाहिद अफरीदी, उन्होंने ये कैटेगोरिकली कहा कि जो तीन मैचेस खेल भी चुका है, सब प्लेयर जो कि सज़ा मुकम्मल करके तीन इंटरनेशनल मैचेस खेल चुका है, उसको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला आपकी तरफ से। अच्छा, आपका स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से क्या स्टांस है? अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब मैं कहता हूँ कि मैं चीफ सेलेक्टर के इश्यूज़ के अंदर इंटरफेयर नहीं करता, तो चीफ सेलेक्टर जो है इतना तकड़ा होना चाहिए ना कि अगर मैं इंटरफेयर करूँ तो मुझे रिजिस्ट करें। तो अगर उन्होंने मुझे, मैंने अगर कहा और उन्होंने नहीं रिजिस्ट किया तो फिर शायद इट्स नॉट माई फॉल्ट। मगर बात यह है, ऐसी बात नहीं होती, होता यह है कि सब मिलजुल के ही बातचीत चलती है। अब मैं आपको बताऊँ, मुझे पता है आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं, तो खुल के बात करनी चाहिए। जब मैं गया था तो उस वक़्त एक खिलाड़ी की अभी पेनल्टी चल रही थी, जो कि हमारे दौर में उसको पेनल्टी लगाई गई थी उनके ऊपर। जब मैं चला गया तो उन्होंने उनकी पेनल्टी ख़त्म करा दी गई पहले से ही, और उनको खिलाना शुरू कर दिया। ठीक, एज फार एज आई एम कंसर्न, मेरे जहन में तो ये है कि पेनल्टी पूरी होनी चाहिए, तो पेनल्टी पूरी अब हो जाएगी तो दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इसी तरीके के साथ जिन लोगों ने पेनल्टीज पूरी कर ली है, लाइक से आसिफ तो खैर आउट हो गया, आमिर, अब आमिर इज़ रिटायर्ड, है जी। अब वो अगर रिटायरमेंट से बाहर आना चाहता है तो जो रूल्स हैं आपके पीसीबी के या डोमेस्टिक क्रिकेट के, वेलकम। आप रिटायरमेंट ने आपने अनाउंस की थी, आप कम आउट ऑफ रिटायरमेंट, प्ले, बी सिलेक्टेड एंड प्ले। सिलेक्शन नहीं होती, कांट प्ले। हाँ जी जी शेट्टी साहब, मेरा आपसे सवाल ये कि आपने कहा कि मैं सिलेक्शन के अंदर कोई मुदाखलत नहीं करते, आप लोग हैं जी सिलेक्शन के अंदर कोई मुदाखलत नहीं करते, अगर पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप जो 2023 आ रहा है उसमें ज़रूरत पड़ती है, पाकिस्तान को टॉप ऑर्डर में एक तेज़ खेलने वाला खिलाड़ी चाहिए, और 2016 में जब शर्जील खान आए थे तो उनका स्ट्राइक रेट आज भी दुनिया के जितने ओपनर्स हैं सबसे ज़्यादा है, तो अगर पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ती है सिलेक्टर सेलेक्ट करते हैं शर्जील खान को, और आपने शान मसूद को लिखाया हुआ है नायब कप्तान के तौर पर, तो या तो कंफर्टेबल हो जाएगा, तो क्या आप शर्जील खान को फिकर ना करें, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, आप रिलैक्स, कोई नहीं होता, जब होगी तो बात की जाएगी। आपका आते साथ ही स्टेटमेंट थी मिकी आर्थर के रिगार्डिंग के फॉरेन कोच की तरफ हम जाएंगे और वो जो नेपोटिज्म का मसला आ जाता है उसको एड्रेस करना चाह रहे थे, अभी उसका क्या वे फॉरवर्ड है? कोच, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि मिकी आर्थर का चैप्टर मैंने क्लोज नहीं किया था और अभी भी क्लोज नहीं हुआ। आई एम इन नेगोशिएशन पर्सनली विद मिकी, और मैं समझता हूँ कि 90% रास्ता हमने कवर कर लिया है, एंड होपफुली वेरी सून वी मे गिव यू द न्यूज़ दैट मिकी विल बी जॉइनिंग अस, बट अभी इट्स नॉट सेटल्ड, देर आर सम इश्यूज़। सिमिलरली, और अगर मिकी आएगा तो फिर मेरी जो मैं कहूँगा उसको, जो कि उसको इशारा मैंने किया हुआ है कि आप अपनी टीम बनाएं, व्हाट टीम डू यू वांट एंड हाउ मच डू वी नीड टू पे देम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो ये इश्यूज मेरा अपना ख्याल है अगले 2-3 दिन में रिजॉल्व हो जाएंगे, सो मिकी विल कम बैक। शेट्टी साहब, मेरा सवाल जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है पाक भारत क्रिकेट की बहाली के हवाले से, तो इस पर कोई थोड़ी सी नज़रसानी करें कि पाकिस्तान और भारत के जो क्रिकेट मैचेस हैं पूरी दुनिया के अंदर आपको पता है बहुत शौक से देखे जाते हैं और उसके व्यूवर्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा होती है, तो पाकिस्तान के लोग भी चाहते हैं कि भारत की टीम यहाँ आए और भारत वाले भी चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम वहाँ जाएँ, तो इस हवाले से कुछ आप करने के लिए तैयारी करके बैठे? भारत वाले चाहते हैं कि वो यहाँ ना आएँ और वो चाहते हैं कि हम वहाँ जाएँ, ये पुराना मसला है, कोई नया मसला तो है नहीं।
ये एशियन क्रिकेट कप भी है उसको भी इफेक्ट करता है, आगे जो चैम्पियनशिप्स आ रही हैं जो भारत में होंगी उस सब चीज़ों को इफेक्ट करता है। मेरा ख्याल है मार्च में अब पहला राउंड तो हमारा होगा एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर टू डिस्कस व्हाट्स द वे फॉरवर्ड, और उसके बाद फिर जब मार्च के अंदर मेरा ख्याल ICC की मीटिंग्स हैं वहाँ भी आई विल टेक अप दीज इश्यूज़। अगेन मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगा कि मैंने वहाँ क्या आर्ग्यू करना है क्या कहना है वो मैं पब्लिक में नहीं कहना चाहता। एक दफ़ा आप पब्लिक में कोई स्टेटमेंट कह दें फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ से आगे बढ़ना या पीछे हटना, तो इसलिए बेहतर यही है कि ये जो नेगोशिएशन जो होती है उसके अंदर अपने ऑप्शंस अपने पास रखने चाहिए, अक्रॉस द टेबल बैठ के हैमर करने चाहिए। सो बस यहाँ तक मैं आपका सवाल का जवाब दे सकता हूँ।